गुड इवनिंग सर। हाय, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट जॉब इन थ्री एयरलाइंस। आज मैं आपको तीन एयरलाइंस के अंदर जॉब के लिए बताने वाला हूँ। इसके अलावा आज हम बात करेंगे डेंजरस गुड्स की। अभी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट करके रखें, जो लोग भी ऐड कर रहे हैं। दे ऑल आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योरसेल्फ। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें, सो दैट व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन, जब आपके पास सवाल हो तब आप पूछिए। और अपने क्वेश्चंस जब आपको पूछने हो तब अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने क्वेश्चंस को रेडी रखिए और अपने कैमरा को ऑन रखिए। आज सबसे पहले मैं आपको तीन एयरलाइंस के अंदर जॉब वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जिनमें से एक वैकेंसी आपको कनाडा ले जा सकती है, जो कि जापान एयरलाइंस में है। इसके अलावा मैं आपको एक वैकेंसी बताने वाला हूं जो कि हैदराबाद में है। तो जो लोग भी साउथ इंडिया से हैं उन्हों के लिए काफी अच्छी वैकेंसी है, एंड दैट इज एन इंडियन एयरलाइन। इंडियन एयरलाइन के अंदर आप जॉब करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं वैकेंसी जो आपको मलेशिया ले जा सकती है, और बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर आप थोड़े से एजुकेटेड हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपके लिए ज्यादा ऑप्शंस हैं, पर अगर आपने सिर्फ ट्वेल्थ की हुई है तो भी आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मेरे से। अपना सवाल पूछिए सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी साक्षी बोलिए। सर 70 इयर्स ओल्ड में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए? देखो 17 इयर्स की एज में आप अप्लाई कर सकते हो, आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, पर वो आपकी ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे। वो आपको ये बोल देंगे कि आप 18 साल के हो जाएं, तब आप आके ज्वाइन कर लीजिएगा। सर मुझे अगर मुझे बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू देते हैं, काम में अच्छे हैं, तो एयरलाइन आपके लिए वेट करने के लिए तैयार है। और बताइए। ओके सर। सर मुझे बहुत सारे लोग बोले कि कोई भी एयरलाइंस है कुछ कुछ जो मतलब 70 इयर्स पे सिलेक्ट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जॉब 18 साल की एज में मिलेगी, पर अगर आप 18 साल का वेट करते रहोगे उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आप 18.5 साल के हो गए या 19 साल के हो गए आपको, क्योंकि इन लोगों की हायरिंग के अंदर टाइम लगता है। जब आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हो ऐसा नहीं होता कि आपने आज इंटरव्यू दिया और 5 दिन के बाद आपकी जॉब लग गई। आपको वैकेंसी मिलने में, आपके हायरिंग होने में 3 महीने, 4 महीने, कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं। हो सकता है उतने पीरियड के अंदर आप 18 साल के हो जाए, मान लीजिए आप 18 साल के तब भी नहीं होंगे। तो इस बात को भी याद रखिए, अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको आज ही इंटरव्यू की कॉल आ जाए। आपका काम है कि आप हर रोज दो चार जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहे। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू की कॉल 3 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, जब भी आएगी कम से कम आपका टाइम तो बचेगा। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सर इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। ओके थैंक यू सर। और कोई सवाल? ठीक है, अगर किसी का सवाल नहीं है तो मैं आपको सीधा वैकेंसी पे ले जाता हूँ। मैं आपको तीन वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने भी अपनी वीडियो ऑन नहीं की हुई अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए बिफोर, इससे पहले कि मैं आपको वैकेंसीज के लिंक दूं, मैं आपको रिमूव कर दूंगा अगर आपकी वीडियो ऑन नहीं है। तो अपनी वीडियो को ऑन रखिए प्लीज। मैं आप सब लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और इस पे थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले मैं आपको TrueJet की वेबसाइट पर लेकर आया हूं। TrueJet एक इंडियन एयरलाइन है, ये एक लो कॉस्ट एयरलाइन है,
और इसके अंदर वैकेंसीज अवेलेबल है। इस वक्त मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वैकेंसी, जिसके अंदर हर वो अप्लाई कर सकता है जिसके पास कम से कम एक साल का एक्सपीरियंस है। तो आप में से कई लोग हैं जो थोड़ी बहुत जॉब कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जॉब है हैदराबाद में। तो इसके लिए वो रिक्वायरमेंट क्या मांग रहे हैं, इसके लिए रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है कि आपके पास कम से कम एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए है, और वो एक्सपीरियंस चाहे किसी एयरलाइन में हो, चाहे ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे होटल इंडस्ट्री के अंदर हो, किसी भी चीज में अगर या कस्टमर केयर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन, वर्किंग एक्सपीरियंस 1 year to 3 years, अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ्रेशर्स कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी ठीक है, आप ग्रूम्ड है, और अगर आप अच्छे से कॉम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए है, और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर सके। तो ये बड़ी अच्छी वैकेंसी है जो कि इस वक्त आपको कैबिन क्रू की जॉब नहीं दे रही है पर एयरपोर्ट पे आपको जॉब दे रही है। तो आप में से काफी लोग हैं जो एयरपोर्ट के अंदर जॉब करना चाहते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए ईमेल आईडी दी गई है, उस ईमेल आईडी के ऊपर आपने अपना डिटेल अपनी भेजनी है और आपके पास जल्दी ही कॉल आ जाएगी। तो ये लिंक मैं आपको आपके चैट में शेयर कर रहा हूं, वहां से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। इस जॉब से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग अपनी चैट एक बार देख लीजिए, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सर मैंने ट्रूजेट और स्टार एयर में अप्लाई की हुई है, ट्रूजेट में कस्टमर सर्विस के लिए इसी के लिए और स्टार एयर में सिक्योरिटी एजेंट के लिए। तो कोई रिस्पांस आया आपके पास? नो सर, अभी तक कोई मिल नहीं आया। तो कोई बात नहीं, अब जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने रिज्यूमे के अंदर लिखिएगा कि आप द टूरिज्म स्कूल से कोर्स भी कर रहे हैं, और अगर आपके पास कोई कॉल आती है तो आप रेफरेंस दीजिएगा कि आप टूरिज्म स्कूल के स्टूडेंट हैं। आप सब लोग जो भी यहाँ पर क्लासेस लेते हैं, आप सब लोग अपने आप को टूरिज्म स्कूल का स्टूडेंट बता सकते हैं। अगर आपसे फर्दर कोई पूछता है कि क्या आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या फिर आप प्री कोर्स कर रहे हैं, तो आप साफ साफ बताइए कि आप प्री कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी एयरलाइंस हैं या जितने भी प्लेसमेंट कंपनीज हैं उनको मालूम है कि हम लोग फ्री में ये कोर्स करवा रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि आप प्रोफेशनल कर रहे हैं या पे करके कर रहे हैं तो कोई आपकी बात मानेगा नहीं। ठीक है, लिंक मिल गया सब लोगों को? ठीक है, मैं इसके बाद आपको सेकंड जॉब के लिए लेकर जा रहा हूं। दिस इज द जॉब, ये जो मैं आपको वैकेंसी बताने वाला हूं ये काफी अच्छी वैकेंसी है और ये जापान एयरलाइंस के अंदर है और आपकी जो जॉब होगी वो कैनेडा के अंदर होगी। तो ये लिंक आप यहां पर देख सकते हैं, जापान एयरलाइन एयरपोर्ट ऑपरेशंस रिप्रेजेंटेटिव YVR। ठीक है, ये कनाडा के अंदर आता है, YVR इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखी गई है कि आप ऑथोराइज होने चाहिए हैं, आपको क्या कहते हैं वर्क करने के लिए रेडी हो आप वीकेंड्स में, हॉलीडेज में, एक्सीलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ अमेरिडियस चेक इन रिजर्वेशन सिस्टम। मान लीजिए कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और आपको अमेडियस नहीं आता तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अमेडियस भी सिखाएंगे। यहां पर ये साफ साफ लिख रहे हैं कि प्रेफरेंस है, तो अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आप इनको साफ साफ बोलिए कि आपको द टूरिज्म स्कूल फ्री में अमेडियस सिखाने के लिए तैयार है अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तब तक आपको अमेडियस भी हम सिखा चुके होंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको काफी मेडिकल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ट्रैवल बेनिफिट मिलने वाले हैं, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ईमेल आईडी दी गई है yvr.admin@jal.com। jal इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ जापान एयरलाइन।
तो ये लिंक भी मैं आप लोगों को चैट पर भेज रहा हूँ और आप सब लोग इसके लिए अप्लाई करें। सर ये डेजिग्नेशन क्या है? ये डेजिग्नेशन है आपका एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव का। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप केबिन क्रू के लिए वेट कर रहे हो और आपको कोई ऐसी जॉब मिल रही है जो एयरपोर्ट पे करने की है या एयरलाइन के पेरोल पे करने की है, तो उसको ग्रैब कीजिए। क्योंकि जब आप एयरलाइन के अंदर जॉब कर रहे हैं तो जो केबिन क्रू की पहले पहले पोस्टिंग आती है उसके अंदर आपको प्रेफरेंस मिलती है अगर आप पहले से ही उनके एम्प्लॉई हैं। तो आपने इसके लिए अप्लाई जरूर करना है, चाहे ये केबिन क्रू की जॉब है या नहीं है। कम से कम आप एयरलाइन के एम्प्लॉई बनते हैं और जब आप एयरलाइन के एम्प्लॉई हैं तो उसके बीच में रहते हुए केबिन क्रू के लिए अप्लाई करना, केबिन क्रू के लिए ज्वाइन करना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है और उन्हीं लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस भी दी जाती है। इसके अलावा कोई और सवाल? ठीक है, अब मैं आपको तीसरी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं। ये वैकेंसी एयर एशिया के साथ है। एयर एशिया भी एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, काफी सारी वैकेंसीज हैं इनके पास, एक नहीं काफी सारी वैकेंसीज हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हों के पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो, तो आप इस लिंक पर जाइए और जो भी आपको अपने लिए एलिजिबल लगती है उनके लिए आप अप्लाई कीजिए। इसके अंदर काफी सारी वैकेंसीज अवेलेबल है। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि कौन सी वैकेंसी आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, किसको आप जितना किसको आपको जल्दी से अप्लाई करना चाहिए है। तो यहां पर आप स्क्रीन देख सकते हैं, ये आपकी एयर एशिया की स्क्रीन है और अगर आप यहां पर लेफ्ट में देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी सारी जॉब्स की आपको ऑप्शन दी गई है। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये खत्म ही नहीं होंगी जॉब्स। तो जिन लोगों को ये लगता है कि एयरलाइंस के अंदर जॉब नहीं है, तो उन सब के लिए मैं यहां बताना चाहता हूं कि एयरलाइंस के अंदर जॉब्स बहुत सारी हैं। आपके पास थोड़ी ठीक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए है और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप 12th के बेसिस पर, ग्रेजुएशन के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं काफी सारी जॉब्स यहां पर दिखाई गई हैं। आप इसको ढूंढते रहेंगे, आप इसको स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, ये वैकेंसीज खत्म नहीं होंगी। और यहां पर जो नाम दिए जा रहे हैं, पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव, यहां पर एग्जीक्यूटिव आया हुआ है, मैनेजर नहीं लिखा हुआ। पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव से ही लोगों को केबिन क्रू के लिए हायर किया जाता है। तो यहां पर आप चाहेंगे तो आपको इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये चाइना के अंदर आपको वैकेंसी मिल रही है, तो वीजा सपोर्ट आपको मिलेगी इनकी तरफ से। और इसके अंदर जो आपसे मांगा जा रहा है, कहीं पर भी ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पास कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप उसके बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया हुआ है और फिर रिक्वायरमेंट दी हुई है, ठीक है। तो ये बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, पीआर, एडवर्टीजमेंट, जर्नलिज्म, इंटरनेशनल बिजनेस या फिर इंग्लिश या फिर और भी कोई सब्जेक्ट के बेसिस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े चैलेंजेस लेने के लिए आप रेडी रहे, चैलेंजेस लेने के लिए सब लोग ही रेडी है, ठीक है। एबिलिटी टू ट्रैवल ओवरसीज, ठीक है, क्रॉस नेशनल, ये सारी चीजें इसके अंदर मांगी गई है। इसके अलावा और भी मैं आपको जॉब्स बता रहा हूं यहां पर जो और इससे इजी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव सिस्टम सपोर्ट, सिस्टम सपोर्ट के अंदर केबिन क्रू के सिस्टम सपोर्ट भी आ जाते हैं। तो अगर आप इसके अंदर अच्छा काम करते हैं तो भी आपको केबिन क्रू के अंदर लेने के लिए ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने इसकी भी डिटेल यहां पर दी हुई है, जॉब डिस्क्रिप्शन पहले आपको दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपको एक दिन में क्या क्या काम करना होता है वो यहां पर दिया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी आपसे क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप रिसोर्सफुल होने चाहिए हैं, आप जल्दी सोच के डिसीजन ले सकें, आपके मेंटालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए है, सक्सेसफुल हो आप, फास्ट पेस्ड हो, मतलब जो भी आप काम करें जल्दी करें, डिटेल ओरिएंटेड होने चाहिए हैं। तो ये सब काम अगर आप कर सकते हैं, और 0 to 2 एक्सपीरियंस, मतलब कि
कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री और आईटी अंडर ग्रेजुएट, मतलब आप चाहे ग्रेजुएट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं जिसके लिए आप इंटर्न प्रोडक्ट, तो इंटर्न प्रोडक्ट को भी आप अच्छे तरह से देख लीजिएगा, इसके लिए भी काफी सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। इसके अलावा इंटर्न यूएक्स डिजाइन, इसके अलावा यहां पर आपको मिल जाएगा इंटर्न विस्मा ट्यून। तो जितने भी इंटर्न और एग्जीक्यूटिव की यहां पर ऑप्शंस हैं उन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सेल्स में जाना चाहते हैं तो। इसके अलावा ये आउटलेट क्रू, ये काफी अच्छी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, काफी लोग हैं जो केटरिंग से हैं या हॉस्पिटैलिटी से हैं। एक मेरी जान पहचान में स्टूडेंट है, शी इज ऑल्सो फ्रॉम केटरिंग, तो उनके लिए काफी सुटेबल जॉब है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। कोई भी आपसे ये नहीं मांगा जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ पर जाकर आपने अपना रेज्यूमे अपलोड कर देना, आपकी फाइल आपके कंप्यूटर में होगी, आप उसको अपलोड कर दीजिए और आपकी एप्लीकेशन इनके पास पहुंच जाएगी। तो काफी इजी है, आज मैंने आपको काफी सारी वैकेंसीज के बारे में बताया है और आपने इन सब के अंदर अप्लाई करना है। आप ये मत समझिएगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई कीजिए। जो भी आपको इंटरव्यू कॉल आती है हमें बताइए, अगर कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट वो देंगे तो हम आपको उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करेंगे। और इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका किसी भी एयरलाइन के डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करने। हांजी बताइए आकाश, आपको ये सवाल पूछना चाहते हैं, आपने हैंड रेस किया हुआ है। यस सर, आई एम आकाश फ्रॉम प्राची। सर मेरा क्वेश्चन सीवी से रिलेटेड है, जो प्रोफेशनल सीवी होते हैं और उसमें अगर कोई फ्रेशर है तो वो एक्सपीरियंस में क्या मेंशन करेगा, तो उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो तो। बड़ा अच्छा सवाल है और आप इसके अंदर फिर भी काफी चीजें मेंशन कर सकते हैं। आपने स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज की होगी, जैसे कि आपने किसी गेम्स के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया होगा, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, या कोई स्कूल का छोटा ट्रिप गया होगा, या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया होगा, या अपनी फैमिली के लिए आपने कुछ भी ऐसा किया है, तो आप उसको अपने एक्सपीरियंस के अंदर ऐड करते हैं। इसके अलावा आप लोग जो ये प्री कोर्स कर रहे हैं, आप सब लोग इसको भी अपने एक्सपीरियंस की तरह ऐड कीजिए। जो चीजें हम आपको सिखा रहे हैं आप इसको बता सकते हैं कि आपको इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है। 10 से ज्यादा वीडियोस हैं जिसके अंदर फ्लाइट के अंदर क्या होता है, इमरजेंसी में क्या होता है, ये सब कुछ बड़े अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर उन सब वीडियोस को, क्लासेस ही हैं वो आपके लिए, अगर आपने उनको बाय हार्ट कर लिया है तो आप उनको एज एन एक्सपीरियंस बता सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो लोग सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी एयरलाइंस के अंदर 3 महीने 6 महीने की, उनसे ज्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगी उन वीडियोस से। तो वो सारी वीडियोस देखिए और अपने आप को आप एज एन एक्सपीरियंस प्रेजेंट कीजिए, अपने आप को फ्रेशर कभी भी मत बोलिए। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी दुर्गेश, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है सर, फ्लाइट क्रू और केबिन क्रू में डिफरेंस क्या है सर? कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है? ओके सर, सिर्फ ये दो अलग नाम है और कुछ भी नहीं, ठीक है? जैसे कि हम बोलते हैं कि बेल बॉय है और पोर्टर है, होटल के अंदर बेल बॉय का भी काम है सामान लेकर जाना और पोर्टर का भी काम है सामान लेकर जाना, ठीक है? जैसे कि हम कैब बोलते हैं, कैब और टैक्सी, कैब भी आपको लेकर जाती है एक जगह से दूसरी जगह और टैक्सी भी आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम अलग अलग है, ठीक है? अंजी बताइए आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन विद यू विथ इंग्लिश, कैन यू हियर मी सर? यस यस प्लीज गो अहेड। Which kind of English is preferred in airlines? Because there are two types of English. First is British English and second is American English. It entirely depends to the location where you are going to get the job and in the airline. If you are getting hired by an American airline or by an African airline or maybe about by a South American airline,
then they would prefer American English. Then they would prefer American accent. If you are getting hired by a European airline or a UK airline, then they are going to prefer British English. And if you are getting hired by an Indian or an Asian airline, there are a lot of airlines in Asia also, then they are going to prefer even Indian accent also. And secondly, let me tell you that don't waste your time in regard to accent. Accent ko leke apna time mat waste kijiye. If you can speak, if you can understand, and you can make other person understand, then on the basis of that, you can be selected. Har airline aapko accent ki हमेशा ट्रेनिंग देती है और भी कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो आपको एयरलाइंस देंगी जिसको आपने वहां पर लेके आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा ओके सर ठीक है और कोई सवाल सर एक और सवाल था सर दो टाइप्स होते हैं डोर्स एक टाइप ए और टाइप सी होता है सर तो सर जो एग्जिट डोर्स होते हैं सर इमरजेंसी डोर होते हैं सर वो टाइप ए और सी में इंक्लूडेड है कि अलग क्राइटेरिया उसी के अंदर ही इंक्लूडेड है कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है बस जो इमरजेंसी गेट्स होते हैं वो नॉर्मली बंद रहते हैं सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर ही खुलेंगे और उनके सामने सीट्स नहीं रखी जाती हैं और दूसरी बात इमरजेंसी गेट के पास जो सीट्स होती हैं वहां पर सिर्फ उन्हीं लोगों को बैठने की परमिशन मिलती है जो फिजिकली फिट है जो लोग थोड़े बुजुर्ग हैं या जिनके साथ बच्चे हैं या जो लेडीज हैं या जो कोई ओवरवेट है उन्हों को वहां पर बैठने की परमिशन नहीं मिलती है और ये कौन डिसाइड करता है जब हम एयरलाइन एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और जब हम चेक इन कर रहे होते हैं जब अपने टिकट दिखाते हैं वो हमारे को बोर्डिंग पास देते हैं तो वो आपको देख लेते हैं वो इस बात को समझ पाते हैं कि हां जी आप इस लायक है कि इमरजेंसी के अंदर अगर आप एग्जिट गेट के पास बैठे हैं तो आप कैबिन क्रू की हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जो लोग भी इमरजेंसी गेट के पास बैठे होते हैं कैबिन क्रू उनके पास जाता है फ्लाइट उड़ने से पहले एक तो ब्रीफिंग होती ही होती है वो तो सबकी नॉर्मल ब्रीफिंग हो रही है उसके अलावा भी ब्रीफिंग होती है ठीक है उसके अलावा जो आपकी ब्रीफिंग होती है वो उन लोगों की होती है जो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे हैं उनके पास कैबिन क्रू को अगर आप एज ए कैबिन क्रू काम कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कॉमन ब्रीफिंग करने के बाद आप उन लोगों के पास जाएंगे जो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे हैं आप उनको ये बात समझाएंगे कि इमरजेंसी एग्जिट को कैसे खोला जाता है इमरजेंसी के टाइम पर और कैसे वहां से नीचे उतरा जाता है उनको साथ में ये भी समझाया जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आपको हमारी मदद करनी होगी जो हवाई जहाज का दरवाजा होता है वो काफी हैवी होता है और ज्यादा आप देख रहे हैं कि 60% 70% तो लड़कियां होती हैं एज ए कैबिन क्रू तो कई बार वो उसको पुश नहीं कर पाती हैं तो जो लोग भी यहां पर बैठे हैं उनको थोड़ा समझाया जाता है कि आप कैसे हेल्प करेंगे और उनकी हेल्प से इमरजेंसी एग्जिट को खोला जाता है उसके बाद एक बटन होता है उसको दबाने से रैंप बन जाता है उस रैंप से ही लोगों को नीचे उतारा जाता है इमरजेंसी के अंदर अदरवाइज आप देखेंगे तो एयरपोर्ट के पास इतना इंतजाम होता है कि वो सीढ़ियां क्रिएट करते हैं और उन सीढ़ियों से लोग नीचे उतरते हैं बट इमरजेंसी के टाइम पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि वहां पर जाके सीढ़ियां लगाई जाए या वहां पर जाके लिफ्ट लगाई जाए तो लिफ्ट लगाने का भी एक एयरपोर्ट के अंदर प्रोसीजर होता है एरो ब्रिज लगाने का भी प्रोसीजर होता है और रैंप ये जो हम इमरजेंसी रैंप की बात कर रहे हैं ये सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर ही होता है समझ में आ गया आपको यस सर ठीक है तो इमरजेंसी एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिन क्रू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिन क्रू 3-4 बार इमरजेंसी एग्जिट को खोलकर बंद करके देखते हैं इससे पहले कि वो पैसेंजर्स को अलाउ करें टू बोर्ड द फ्लाइट इन सब चीजों को पहले से ही चेक कर लिया जाता है हां जी पूछिए क्या सवाल है आपका अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए सो माय नेम इज रवि चैन इज एविएशन या इज एविएशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर एयरलाइन टू गेट इन और इट्स नॉट बिल्कुल भी नहीं देखिए इस बात को आप प्लीज समझिएगा कि एयरलाइंस के लिए आपके सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है अगर ये अमेडियस का सर्टिफिकेट नहीं है तो सिर्फ एक अमेडियस का सर्टिफिकेट है जिसको वो थोड़ी वैल्यू देते हैं और अगर आपके पास ठीक नॉलेज है तो बिना किसी सर्टिफिकेशन के भी वो आपको जॉब देने के लिए तैयार है तो ऐसा कोई भी सर्टिफिकेशन जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहा है सिर्फ एक कागज है और आप इंटरव्यू के अंदर सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली है
आप ये मत सोचिए कि आप कहीं से सर्टिफिकेट खरीद लेंगे या कहीं से आप सस्ता कोर्स करके एक सर्टिफिकेट होगा आपके पास तो आपको जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप ये जो हमारा कोर्स कर रहे हैं इसमें 9 मई को आपका एग्जाम है, इसके नोट्स वर्चुअल क्लासरूम में दिए गए हैं, उन वर्चुअल क्लासरूम के अंदर जो नोट्स है वहां से क्वेश्चन आएंगे, अगर आप पास होते हैं तो आपको हम सर्टिफिकेट देंगे और उस सर्टिफिकेट की भी काफी वैल्यू है। जो चीजें हम आपको सिखा रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी नहीं सिखा रहे हैं, हम चाहे आपको फ्री में सिखा रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि ये फ्री कोर्स है तो इसकी वैल्यू नहीं है, इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिल रही है। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का, गारंटी देता हूँ कि कोई बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट का आप करिकुलम दिखा दीजिए जो इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हो, 1 लाख रुपए लेकर या 2 लाख रुपए लेकर भी कोई भी नहीं दे रहा। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन एनी वन वॉन्ट टू आस्क? हाँ जी बताइए, क्या सवाल है आपका? अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाँ जी बोलिए, जोर से बोलिए प्लीज। जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, उसके लिए आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे अभी आपके पास क्लास का लिंक आता है व्हाट्सएप पर, वैसे ही एक लिंक आ जाएगा। ये दोपहर को 1 बजे एग्जाम है, तो एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले आपके पास लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा और उस क्वेश्चन पेपर पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उनकी ऑप्शंस मिलेंगी, तो 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी होगी और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ ये लाइव क्लास लेने से या हमारी वीडियोस देखने से आप पास हो जाएंगे, जो वर्चुअल क्लासरूम पर नोट्स हैं उनको पढ़ना भी जरूरी है, अगर आप उनको नहीं पढ़ते हैं तो आप पास नहीं हो पाएंगे, और वो नोट्स अगर आप किसी भी तरह की जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर भी काफी इम्पोर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओनली 25, सिर्फ 25 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट या 15 मिनट का टाइम होगा ताकि आप चीटिंग ना कर पाए, ठीक है? उसमें से आपको सबके जवाब ठीक देने की कोशिश करनी है और अगर आप कोई जवाब गलत देती हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। आप लोग अगर चाहें तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक सैंपल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखा सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके सर। सर पासिंग मार्क्स? पासिंग मार्क्स 80%, आराम से 100% मार्क्स आते हैं इसके अंदर। अगर आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% मार्क्स भी आप ले सकते हैं, पास होने के लिए आपको कम से कम 80% मार्क्स लेने ही लेने हैं। सर जो आप लिंक डाले हैं YouTube पर वो मतलब है, सवाल मेरे को समझ में नहीं आया बेटा, फिर से बोलिए प्लीज। सर जो आप 10 वीडियो डाले हैं YouTube पे, हाँ जी उसी वही बस पढ़ के देना है ऑनलाइन, उसके अलावा भी नोट्स दिए गए हैं, उसके अलावा वर्चुअल क्लासरूम के नोट्स आपके अंदर नोट्स हैं, वो प्रेजेंटेशन है उसको या PDF है उसको डाउनलोड कीजिए उसको पढ़िए। आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं? एनी क्वेश्चन? ओके ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको 3 काफी इंपॉर्टेंट एयरलाइंस की वैकेंसीज बताई हैं, आपने इन सब के अंदर अप्लाई करना है और आपको जो भी कॉल आती है वो जो भी आपसे पूछते हैं अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप हमसे पूछिए, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर हमें पढ़ाना होगा तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, उसके लिए आपको कभी कुछ पे नहीं करना होगा। हाँ जी बताइए। सर थर्ड लिंक नहीं मिला, लिंक सेंड करो ना सर। हाँ जी एयर एशिया वाली लिंक, एयर एशिया वाला लिंक मैंने आपको सेंड नहीं किया? नो सर। हाँ जी मैं कर देता हूँ। अपने चैट में देख सकते हैं आपको एयर एशिया का लिंक भी मिल गया। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए मन लगाकर, चाहे ये फ्री कोर्स है बट दिस कोर्स कैन गेट यू जॉब ऑफ अ कैबिन क्रू। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हों की जॉब्स लगती जा रही हैं,
तो आप लोग प्लीज रेडी रहिए इंटरव्यूज के लिए और पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कीजिए, अपने कॉम्युनिकेशन को इम्प्रूव कीजिए. ऑल द बेस्ट.